देश भर में इस बार दशहरे का पर्व 12 अक्टूबर को मनाया जाएगा। राजधानी भोपाल में दशहरे की तैयारी जोरों पर है। शहर के कारीगर पिछले कई दिनों से रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों को अंतिम रूप देने की तैयारी में लगे हुए हैं। लोकल एक्टिंग के माध्यम से हम शहर के ऐसे कारीगरों से आपको रूबरू करवाएंगे जिनके द्वारा बनाए गए पुतलों की डिमांड भोपाल या मध्य प्रदेश के अलावा उत्तर प्रदेश के भी कई जिलों में हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल 18 और मैं शुभम सिंह आज भोपाल के नटराज हॉल में, जहां पे दशहरा की तैयारी जोरों पर है और यहां पे अलग अलग तरीके की अलग अलग फिट के रावण बनाए जा रहे हैं। रावण के साथ कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले भी बनाए जा रहे हैं। हम यहाँ पे यहाँ के कारीगर से जानना चाहेंगे कि इस पूरी प्रक्रिया में कितना समय लगता है और क्या क्या इसमें सामान का इस्तेमाल किया जाता है। जी, पहले आप अपना नाम बता दें। मेरा नाम नितेश साहू। जैसे ये बताएं कि इस कितने फीट तक के रावण यहाँ पे बन रहे हैं? यहाँ 35 फीट से लेकर 50 फीट तक पुतला बनती है। अच्छा, और इसमें कितना समय लग जाता है? ये 4 महीने 5 महीने पहले काम चालू होता है। अच्छा, और इसमें लागत कितनी लग जाती है आपकी? लागत लगती है बहुत, ऐसे जजमेंट नहीं लगाया। और लड़के भी काम करते हैं, उनको भी तनख्वाह सब देना पड़ता है, उसके बाद पता लगता है। अच्छा, और जैसे कोई ऑर्डर पे खास तौर पर यहाँ पे बनाए जाते होंगे, तो इसमें कितना किस किस तरीके के रावण के अलावा कौन कौन से, जैसे कुंभकर्ण मेघनाथ, ये पूरा सेट कितने का बनता है? ये सेट 1.5 लाख 1 लाख का करीबन बनता है। अच्छा, तो अभी कितने ऑर्डर हैं यहाँ? यहाँ 45 पुतले बन रहे हैं। 45 फुट यहाँ पे बन रहे हैं और उनकी 35 से 50 फीट की हाइट। लोकल 18 के लिए भोपाल से शुभम सिंह की रिपोर्ट।